नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर उमर गुल ने दावा किया है कि कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को मैदान में सीनियर खिलाड़ियों का मशवरा देना पसंद नहीं है। उमर गुल ने यह भी इंकशाफ किया है कि बाबर ने एक सीरीज़ के दौरान मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को डांटा था। 39 साल उमर गुल ने मकामी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने एक या दो वाक़ देखे हैं जब मैं एक सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम के साथ था जहाँ कप्तान ने रिजवान और शादाब को बॉलर से बात करने पर डांटा। हो सकता है उन्हें ऐसा न करने को कहा गया हो क्योंकि आम तौर पे सीनियर खिलाड़ी कप्तान को मशवरा देते रहते हैं। वाज़ह रहे कि पाकिस्तानी टीम को जारी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ख़राब कारकर्दगी के बाद हर तरफ से तनकीद का सामना है। 3 मुसलसल शिकस्तों से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल बन गया है। आगाज़ के बाद हॉलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच जीत कर वर्ल्ड कप में जाते थे। पाकिस्तान को भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने जेर किया जिसकी वजह से वो 5 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ रह गए हैं। ग्रीन शर्ट्स अब जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से मैच खेलेंगे। अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अब इनके तमाम मैचेस में कामयाबी होना जरूरी है। नाज़रीन, हम तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।